भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके देश की सबसे घातक आक्रमण और सटीक और अदृश्य पनडुब्बी INS करंज। घातक इसलिए क्योंकि ये दुश्मन की सबसे नज़दीकी जाकर हमला कर सकती है। आक्रमण इसलिए क्योंकि ये आकार में सबसे छोटी है तो समुद्र के मैन्यूविंग आसान है। सटीक इसलिए है क्योंकि ये दुश्मन के पास जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जासूसी कर सकती है। अदृश्य इसलिए है क्योंकि आकार में छोटी है और उसके छोटे होने की वजह से दुश्मन को इसके लोकेट करने में दिक्कत होगी, मतलब लोकेशन डिटेक्ट करने में दिक्कत होगी। सबसे खास बात यह है कि दुश्मन की पनडुब्बी और जहाजों के लिए समंदर में बारूदी खान बिछाने की एक्सपर्ट है। INS करंज 10 मार्च यानी आज भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में शामिल की गई है। मुंबई के नेवल डेकार्ड ने इसे आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बी है। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगा है। यह परमाणु पनडुब्बी की तुलना में आकार में छोटी है, इसलिए इसकी आक्रमणता, सटीकता और लोकेट ना होने की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी लंबाई 221 फिट है, बीम 20 फिट और ऊंचाई 40 फिट है। जब यह सतह पर होती है इसका वजन 1615 टन होता है, लेकिन जब यह पानी के अंदर होती है इसका वजन 1775 टन होता है। सतह के ऊपर इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी के अंदर इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। सतह पर इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, जबकि पानी के अंदर 1,020 किलोमीटर है। यदि 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है यह पनडुब्बी। INS करंज कलवारी क्लास की तीसरी पनडुब्बी है जिसमें भारतीय नौसेना के 8 अधिकारी और 35 नाविक रह सकते हैं। INS करंज पानी के अंदर 350 मीटर यानी 1,150 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी की 6x533 मीटर मतलब 21 इंच की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, यानी इसमें 18 टॉर्पीडो तैनात किए जा सकते हैं, यानी एक एक टॉर्पीडो से दुश्मन 18 जहाज या पनडुब्बी को मार गिरा सकता है। INS करंज की सबसे खास बात यह है कि दुश्मनों को युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए समुन्द्र में बारूदी सुरंग बिछा सकती है, यानी समुन्द्र में छिपे हुए बम लगा सकती है। जैसे ही दुश्मन के युद्धपात या पनडुब्बी इसके टकराएंगे ये फट जाएंगे। INS करंज एक बार 30 बारूदी सुरंगों को लगा सकता है। INS करंज में SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की जा सकती है। हालांकि भारतीय सेना या किसी स्रोत ने यह जानकारी नहीं मिली है कि पनडुब्बी में कितनी मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। ये मिसाइल 1,148 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन को जहाज या पनडुब्बी पर हमला कर सकता है। INS करंज का ध्येय वाक्य है कि नित्य निर्दोष और निर्भीक, यानी हमेशा बिना डरे सटीकता के साथ घातक हमले करने वाला करंज राष्ट्र महाराष्ट्र में पाए जाने वाली स्थाई मछली के नाम पर लिया गया है। सबसे खास बात यह है कि INS करंज दुनिया की सबसे तेज पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है। इसके एक सेकंड एक कमांड ऑफिसर अमित कुमार ने बताया है कि पनडुब्बी में समुद्र में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके अंदर काम करना है, इसकी टेक्नोलॉजी, हथियार, इंटेलिजेंस की उपकरण सब कुछ बेहतरीन है। यह एक साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर। यह कब दुश्मन के नज़दीक पहुंच जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा। INS करंज में C-3O3/S काउंटर मेजर सिस्टम लगाया गया है, यानी दुश्मन की तरफ से ही अगर कोई टॉर्पीडो पनडुब्बी की तरफ आती है तो इसे तुरंत खबर लग जाएगी। इसके बाद यह उसे नष्ट कर देगी और कामयाबी हासिल करेगी। INS करंज में तैनात एक नए कमांडर PR राम प्रकाश ने बताया है कि हम इस पनडुब्बी में 6 घंटे सोते हैं, हमें दिन और रात का पता नहीं चलता। अगर इस समुद्र के अंदर है तो हम एक देश की रक्षा के साथ साथ मन लगाने के लिए पनडुब्बी के अंदर गाने गाते रहते हैं, ड्राइंग कंपटीशन करते हैं और इसके अलावा कई अन्य गतिविधियों में भी अंजाम देते हैं जो खुद की देश की भलाई के लिए बेहतर हो। PR राम प्रकाश कहते हैं कि INS करंज में दुनिया की बेहतरीन सोनार सिस्टम है लगा हुआ है। इसमें एकदम आवाज़ नहीं आती, इस वजह से लोगों को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये दुश्मन को पता नहीं चलने देती कि उसे कितनी नज़दीक से मारा जा सकता है या उसके करीब जाकर। इसे पूरी तरह से भारत ने ही बनाया है। INS करंज
में तैनात एक अन्य अधिकारी आकाश कुर्बी कुर्चिकोरवे ने कहा है कि अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, चैंसेस होइए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समंदर में किसी भी दुश्मन को आपकी तरफ आने नहीं देंगे। दुश्मन को साफ संदेश है कि ग्रीवान को झांको, हमारी तरफ नज़र ना उठाओ, और अगर नज़र उठाई तो दिक्कत में आ जाओगे। थैंक यू। देखते रहें MST हिंदी न्यूज़।